दोस्तों यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नर्स की सीरीज को हम लर्न करें, कि जो भी गवर्नर्स ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उन गवर्नर्स की सीरीज को, मीन सारे नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे उस टाइम में जिनके ऊपर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो उन गवर्नर्स की सीरीज को हम लर्न कर लें। और सेकेंड चीज़ क्या है कि उन गवर्नर्स के टाइम में जो जो एक्ट पास हुए उन एक्ट्स को हम लोग लर्न कर लें। ठीक, तो इसके लिए मैं बहुत इजी करने के लिए एक छोटा सा मैं चार्ट बनाऊंगा पीछे, और उस चार्ट से आप समझ जाएंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे और जो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे वो किस तरीके से आए। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो बच्चों देखो, बच्चों ने दोस्त आप लोग भी हो, सो लुक फ्रेंड्स, क्या था सीन, पहले आया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जिनकी टाइमिंग थी 1765 से लेकर 67 के बीच में। ठीक है, तो ये जो थे ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। इनकी टाइमिंग थी 1772 से 85 के बीच में रही है, और ये जो थे ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, ये गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, और वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, 1772 से 85 के बीच रहे। उसके बाद आते हैं कॉर्नवेलिस। इनकी टाइमिंग जो थी, इनकी टाइमिंग थी 1786 से लेकर 93 तक रहे ये। उसके बाद आए वेलेस्ली। ठीक, जो इनकी टाइमिंग थी 1799 से 1803 तक। उसके बाद आते हैं विलियम बेंटिक। टाइमिंग लर्न करना अच्छे से। ठीक है, विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक की टाइमिंग थी 1828 से 35। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थी, हालांकि थे और भी इंपॉर्टेंट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है अक्सर, वो है डलहौसी। ठीक, इनकी जो टाइमिंग थी, इनकी टाइमिंग थी 1848 से लेकर 56 तक। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और विलियम बेंटिक जो थे ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे वो थे विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से आप लोग समझ लो, नोट कर लो और अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है, आप लोग लास्ट ईयर के पीवाई क्यू उठा के देखेंगे तो अक्सर जो क्वेश्चन आए वो यही आए कि ये जो एक्ट्स पास हुए या फिर इन एक्ट्स, उन एक्ट्स के अंदर जो जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स थे तो ये पॉइंट्स या फिर जो एक्ट थे ये किस गवर्नर के टाइम पास हुए, या फिर इन गवर्नर ने कौन कौन से एक्ट को या कौन कौन से रूल्स को पास किया। ठीक, तो इसके लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना इनकी सीरीज को और टाइमिंग को। ठीक, अगर आप टाइमिंग लर्न कर लोगे, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चार्ट आपको बताऊंगा उसमें बताऊंगा जो एक्ट्स पास हुए थे उन एक्ट्स की टाइमिंग क्या थी, तो उन एक्ट्स की टाइमिंग और इसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि इनकी टाइमिंग में कौन कौन से एक्ट पास हुए और उन एक्ट्स में क्या क्या दे रखा, तो वो आपको जो बताया जाएगा तो अच्छे से आप लोग के पूरा सिस्टम मॉडर्न इंडिया का समझ में आ जाएगा। ठीक,